मैं हूं वैभव सिंह पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज एक्सप्रेस पर आज बात करेंगे हाथी और मानव संघर्ष के बीच चल रहे द्वंद को लेकर के। दरअसल छत्तीसगढ़ के भीतर में हाथी और मानव के बीच में संघर्ष बढ़ते ही जा रहा है। समय रहते अगर इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया तो ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बीते 3 वर्षों में 206 लोगों को हाथियों ने मौत के घाट उतार दिया है। यही नहीं, लोगों की जाने तो गई है, हाथियों की भी जाने गई है। आखिर इन सब के पीछे कारण क्या रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ का एक इलाका है लेमरू प्रोजेक्ट वाला, इसे आज तक हरी झंडी नहीं मिल पाई है। ये पिछले कई सालों से लटका हुआ है। नई सरकार जो है वो इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन इसे मंजूरी कब मिलेगी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास प्रोग्राम संघर्ष समाधान और सरकार में। छत्तीसगढ़ में जो हाथियों और मानव के बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, इसके चलते बड़ा नुकसान हो रहा है। लगातार मौत की घटनाएं सामने आ रही है। खास तौर पे जो वन्य प्राणी है, जो हाथी है, उन्हें भी बड़ा नुकसान हो रहा है और लगातार ये स्थिति गंभीर बनते जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार इसे लेकर के चिंतित है, लेकिन नतीजा है कि कोई सही निकल नहीं पा रहा है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों और घने जंगलों से भरा हुआ है। सरगुजा बिलासपुर संभाग के जंगल हाथियों का इलाका है। इसी इलाके में कोयला भी प्रचुर मात्रा में है। ऐसे में खनिज संसाधनों के दोहन से वन्य जीव सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यही वजह है कि सूरजपुर, कोरबा, मैनपाट, धर्मजयगढ़ जैसे इलाकों में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस संघर्ष में 3 साल में 206 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में हाथियों की मौत भी अलग अलग वजह से हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में हाथी कॉरिडोर इलाके में रेलवे कॉरिडोर आ गया है। लिहाजा हाथियों की सुरक्षा और विचरण के लिए लेमरू प्रोजेक्ट सरकार ने तैयार किया। सरकार ने अब तक हरी झंडी नहीं दी है। देखिए, हाथी और मानव द्वंद्व को कम करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। 4 हाथी रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से था। 3 का नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर दिया। लेमरू 450 वर्ग किलोमीटर का जो था, इसका नोटिफिकेशन रमन सरकार ने नहीं किया। उसका कारण मैं जो समझता हूं कि उसके नीचे कोयला की खान है, कोयले के कारण ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ होगा। लेकिन वर्तमान सरकार गंभीर है और नोटिफिकेशन न केवल 450 वर्ग किलोमीटर बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन फैसला मंत्रिमंडल को करना है। वहीं वन विभाग की ओर से भी हाथी और इंसान के बीच हो रहे संघर्ष को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार कर्नाटक की तर्ज पर हाथी टूरिज्म बनाने जा रही है। वन विभाग ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है। प्रदेश में इस वक्त 300 के करीब हाथी विचरण कर रहे हैं। फिलहाल नई सरकार हाथी और मानव के बीच हो रहे संघर्ष को कैसे रोक पाएगी और हाथी टूरिज्म का उपाय कितना कामयाब होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। वैभव सिंह पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। ठीक है जी। और मानव के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसी पर है आज का हमारा ये खास प्रोग्राम संघर्ष समाधान और सरकार। इन तीनों ही चीजों के लेकर हम बातचीत करेंगे आज हमारे विषय विशेषज्ञों के साथ, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। नितिन सिंघवी जी हैं, वन्य जीव प्रेमी हैं, आप लगातार हाथियों के मामलों को लेकर के काम कर रहे हैं और लगातार आप वन विभाग के समक्ष इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ है संदीप पौराणिक जी, आप भी वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं और खास तौर पे हाथी और भालुओं से जो मौतें हो रही है लोगों के बीच में, उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और सरकार के समक्ष आंकड़े पेश करते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे
अतुल शुक्ला जी, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ। पहले शायद उनसे ही सवाल करना था हमें, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो मेरा सबसे पहले सवाल है नितिन जी आपसे, छत्तीसगढ़ के भीतर में आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन रही है जिसके चलते हाथी और मानवों के बीच में ये संघर्ष काफी बढ़ते जा रहा है? देखिए, हाथी हमारे यहाँ पर काफी लंबे समय बाद में लौट करके आए हैं, और इसमें जो है इस बीच में हमने उनके साथ में रहना जो है वो भूल गए हम लोग कि हम उनके साथ कैसे रहते हैं, और यही हमारे साथ में समस्या है। हमको अगर हाथियों का अस्तित्व चाहिए तो हमको उनके साथ रहना सीखना पड़ेगा, उनके व्यवहार को समझना पड़ेगा, और कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो हमारी समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकती हैं कि हम उनके व्यवहार को जाने। सबसे पहले जो है उसमें मुद्दा जो है वो है कि नर हाथियों के बारे में, नर हाथी जो है अपने परिवार से, परिवार उसको 12 साल की उम्र के आसपास में अलग कर देता है और वो 30 साल तक अलग घूमता है। उसके बाद में भी वो रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे परिवारों से जुड़ता है और बहुत कम समय के लिए। इस प्रकार वो 80% जीवन अकेले गुजारता है। हम उसे यहाँ पर दल से भटका हुआ दंतेल, दंत से भटका हुआ हाथी, बिगड़ेल, सभी प्रकार के उपमाओं से उसको जो है नवाजते हैं। हमें ये सीखना पड़ेगा कि वो अकेला रहता है, कई बार वो 2-3 बुल साथ में रहते हैं, तो ये हाथियों का व्यवहार हमको समझना पड़ेगा। अब ये हम इतने सालों में भूल गए, हमको अपने ग्रामीणों को समझाना पड़ेगा हाथी के नर के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके मादा के बारे में, कि ये किस प्रकार से इनका सामाजिक स्ट्रक्चर है। पुराने जमाने में जब हमारे पास में 70-80 साल पहले, जब 3 पीढ़ियों के पहले जब हाथी थे, तो हमारे जो पूर्वज थे वो अपने वंशजों को समझाते थे, पर क्योंकि इस बीच में हाथी नहीं रहे तो हम सब भूल गए हैं 80 साल में। ये सब चीजें जो आपका प्रश्न है कि ये क्या हो गया है करके, वो सिर्फ एक मूल समस्या है कि हमको उनके साथ में रहना हम भूल गए हैं, हमें दोबारा सीखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जो हाथियों का व्यवहार है उसको सही तरीके से आप तक समझ नहीं पाई है हमारी सरकार जो है, या विभाग, या फिर वो लोग जो कि उस इलाके में रहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में इन दिनों जिस हाथी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो गणेश हाथी है। गणेश हाथी के व्यवहार को लेकर के तमाम तरह की रिपोर्ट आती है, मीडिया में भी अलग अलग तरीके से उसे देखा जा रहा है, उसके बारे में लिखा जा रहा है। विभाग का अपना एक नजरिया है और सरकार उसे अपने अलग तरीके से देख रही है। क्या गणेश हाथी छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी समस्या है? देखिए, गणेश कतई रूप से कोई समस्या नहीं है। गणेश के लिए जितनी उपायों का उपयोग किया गया है आज तक के, हत्यारा, उत्पाती, प्रताड़ित करने वाला, उत्ते शब्द तो हमारे पुलवामा के आतंकवादियों के लिए उपयोग नहीं किए गए जितने गणेश के लिए किए गए हैं। और इसमें काफी मैं जो है आदर के साथ में मीडिया को भी पूर्ण जानकारी ना होना मानता हूँ। गणेश अपने परिवार से अलग घूम रहा है और वो घूमेगा, इससे जो है उसको कतई रूप से उसको दोषी नहीं बनाया जा सकता। कल भी एक बड़े चला कि गणेश ने बिठाने को मार दिया, ट्रक से खींच करके मार दिया। हमें सबसे पहले ऐसे समय में वन विभाग के जो संबंधित वन मंडल अधिकारी हैं उनके बयान पे गौर करना चाहिए। वो धर्म दे करके जो डीएफओ है उन्होंने एक बार भी कहा कि गणेश ने हत्या की, ट्रक से निकाल करके वहां दूसरे हाथियों का कल घूम रहा था, जिन परिस्थितियों में वो ड्राइवर वो अलग बात है। गणेश को आरोप लगाने पे मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति है, इससे जो है मीडिया को भी संवेदनशील रहना पड़ेगा। अभी तो ये हालत हो गई है कि गणेश को हम हत्याओं का हीरो बना दिया, जंगल में अगर कोई भी लाश मिलेगी तो हम गणेश को बोल देंगे। आज क्या है कि कोई दूसरा जानवर भी मार देगा तो हाथी मारने पे शासन जो है 6 लाख रुपए भुगतान करता है, तो बेटर है कि दूसरे की बजाय में हाथी से मरना डिक्लेयर करके 6 लाख रुपए पाया जाए। तो इन सब कारणों से बहुत सारे कारण हैं, ये हमारा पूरे ग्रामीण में एक भी ग्रामीण जो है वो वन विभाग की बात नहीं मानता है। गणेश का एक वीडियो 4 या 5 दिन पुराना है,
उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी शांत है कि उसको जब लगातार परेशान कर रहे थे, उसके बाजू में हॉर्न दे रहे थे, वो उसके बावजूद भी बड़ा शांत था। अगर जैसा कि हमारे यहाँ पर प्रचारित किया गया है और राजनेताओं तक को बताया गया है कि गणेश मानव को देखते ही मार देता है, तो वो वीडियो प्रमाण है कि गणेश अपने आप में बहुत ही शांत स्वभाव का है, मानव को देख के मारता रहता, तो उस वीडियो में वो दौड़ लगाता मोटरसाइकिल के पीछे। मेरा वन विभाग से कहना है कि ऐसी प्रत्येक घटनाओं में ग्रामीणों के विरुद्ध बहुत कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नितिन सर, और यही बात सरकार के लोग भी शायद समझ रहे हैं, इसलिए वन मंत्री ने भी कहा कि सबसे कोई समझदार अगर जानवर है तो वो हाथी है। अगर हाथियों में समझ बहुत ज्यादा है तो निश्चित तौर पे फिर गलती शायद हम इंसानों के तरफ से ज्यादा हो रही है। तो मैं संदीप सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये समस्या जो खड़ी हुई है उसके पीछे मूल कारण हम इंसान ज्यादा हैं वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, या फिर जिस तरीके से उस इलाके में बेहताशा जो माइनिंग की शुरुआत होते जा रही है वही सबसे बड़ा कारण एक आपको नजर आ रहा है? संदीप सर जी, मैं जहाँ तक जानता हूँ उसके बारे में कि हाथियों का आना छत्तीसगढ़ में 2000 के आसपास शुरू हुआ, सन 2000, और वो 100 साल बाद यहाँ लौटे। तो शुरू में तो ये था कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो आदिवासी और जो हमारे ग्रामीण वनवासी थे वो, और जो हमारे फॉरेस्ट के जो अधिकारी थे, इन सब लोगों का ये मानना था कि हाथी इस रूट से आए हैं उसी रूट से वापस चले जाएंगे, और बहुत गंभीरता से नहीं लिया चले जाएंगे। और बाद में भी जो योजनाएं बनी वो दीर्घकालिक योजनाएं नहीं बनी, बनानी चाहिए थी जी। उसके बाद जब एक हाथी दल आया और जब चार पांच हाथी दल और आए, उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कुछ घटनाएं बनने लगी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, लोग भी मारे गए, हाथी भी मारे जाने लगे, तो फिर उसको गंभीरता से लिया। लेकिन जो डिसाइड हुआ था उस समय जो बातें होती थी कि एक हम हाथी का एक कॉरिडोर बनाएंगे और कुछ खास उस हाथी के लिए आप चीजें रहेंगी, वो अभी तक हम देख रहे हैं कि धरातल पर अभी तक वो आ नहीं पाई है जैसे कि होना चाहिए। और वर्तमान में अभी जो हमारे पीसीसीएफ है शुक्ला जी, ये छत्तीसगढ़ मूल के ही के हमारे रहने वाले हैं, तो हमारी गुजारिश यह है कि भैया हमको रहना है, हाथियों को भी छत्तीसगढ़ में रहना है, हमको भी रहना है, लोगों को भी छत्तीसगढ़ में रहना है जी, तो हमको भी रहना है। तो कम से कम ये हो कि एक दीर्घकालिक योजना बनाई जाए, उस पर काम हो, धरातल पर काम नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है कि हम ऐसा करेंगे, फिर एक वन मंत्री जो थे वो अफ्रीका चले गए और अफ्रीका से लौट के आए तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ मधुमक्खी पालन शुरू करेंगे और ऐसा करेंगे। ये सब हवा हवाई बातें हैं। अगर विदेश भेजना है तो यहाँ के आदिवासियों को भेजें, हमारे यहाँ तमाम तरह अगर स्टडी के लिए भेजना है तो वाइल्ड लाइफ जी 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 हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संदीप जी। और चूंकि हमारे यहाँ लगातार अलग तरीके से जो है उपाय किए जा रहे हैं, कुमकी हाथी को भी हमारे यहाँ लाया गया, उनके जरिए जो है यहाँ के हाथियों को सिखाने पढ़ाने और बताने की कोशिश हुई, तो ये प्रयास लगातार चल रहा है। ये मेरे ख्याल से एक मिनट में जी मैं दो बात करना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो ये कुमकी हाथी जो है ये सफेद हाथी है, इसका छत्तीसगढ़ के लिए जिस पर्पज से लाया गया था इसका 1% सिर्फ कोई काम नहीं किया, 50 लाख रुपए हम लोगों ने माइक पांडे को दिए, 50 लाख रुपए जो दिए वो बहुत पुरानी बात है, जब जोगी साहब मुख्यमंत्री थे तो 50 लाख रुपए में माइक पांडे ने कोई काम नहीं किया, एक पुराना दूसरे स्टेट का DPR जो था उसका नाम काट के यहाँ वापिस भेज दिया, 50 लाख रुपए का हम लोगों ने उससे 1 रुपए का हिसाब नहीं लिया जी। तो ये सब चीजें हैं, इन सब पे हमारे यहाँ करोड़ों रुपए वेस्ट हुआ है। अब हमारा ये कहना है कि जब बढ़िया PCCF है, मंत्री भी हमारा बड़ा दमदार है, अच्छा काम कर रहा है मोहम्मद अकबर जी, सारी चीजें ठीक है, तो दीर्घकालीन योजनाएं बने, अच्छा काम हो और छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिले, हाथियों को राहत मिले। बिल्कुल ठीक बात है, और
ये राहत आखिर किस तरीके से और कब मिलेगी, इसी की जानकारी ले लेते हैं। अतुल शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ, आपका बहुत स्वागत है सर। आप थोड़े लेट हो गए लेकिन फिर भी सवाल कायम है अब भी वही कि आखिर छत्तीसगढ़ के भीतर में हाथी और मानव के बीच में ये संघर्ष क्यों बढ़ते जा रहा है सर, उस स्थिति में जब छत्तीसगढ़ बहुत शांत इलाका माना जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त आदिवासी लोग हैं जो कि उस इलाके में रहते हैं, और न सिर्फ लोग हैं बल्कि हाथी भी बहुत परेशान हो रहे हैं, जिन्हें लेकर के आप भी काफी चिंतित रहते हैं, आपका पूरा विभाग पूरा अमला उस पर लगा हुआ रहता है और तमाम तरह के प्रयास आप लोग कर रहे हैं, क्या इस संघर्ष को रोक पाने की दिशा में आप लोग कोई ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, जैसे कि सरकार कह रही है कि हम लेमरू प्रोजेक्ट को इस बार हरी झंडी दे देंगे जो कि पिछले कई सालों से लटका हुआ है। देखिए मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा और थोड़ा समय लूंगा क्योंकि पूर्व के दो वक्ता काफी कुछ बोल चुके हैं, तो मैं एक संक्षेप में आपको पूरी स्थिति बताना चाहूंगा। ये बात एकदम सही है कि करीब दो दशक पहले हमने छत्तीसगढ़ में हाथी नहीं देखे थे, ये भी बात एकदम सही है कि 200 साल पहले से लेकर और बहुत रिसेंट पास्ट तक हाथियों की उपस्थिति के अभिलेख हैं और उनका आवागमन और उनका व्यावसायिक उपयोग भी इतिहास में दर्ज है। ये बात भी एकदम सही है कि पड़ोसी राज्यों से आए, उड़ीसा से आए, झारखंड से आए, और वहां से वो इसलिए आए कि वहां पर उनको जो हालात थे वो उनके फेवरेबल हालात नहीं रहे, किन्हीं कारणवश नहीं रहे, अब उन कारणों में जाने का इस चर्चा में कोई बहुत अर्थ नहीं है, लेकिन उन कारणों का परिणाम ये निकला कि वो हाथी वहां से यहां चले आए। अब सवाल ये उठता है कि यहां क्यों आए, तो ये समझ में आता है कि क्योंकि यहाँ के वन क्षेत्र जो थे और अभी भी बहुत ही बेहतर हालात में हैं और उनको ऐसा लगा कि वो यहाँ पर सहजता पूर्वक रह पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे उनका आना चालू हुआ। पहले तो वो आते जाते रहते थे, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर एक प्रकार से आप समझिए कि बस ही गए और उनके बच्चे भी यहाँ पर होने लगे, जिन्होंने कि वे प्रदेश देखे ही नहीं जहाँ से उनके सीनियर्स आए थे, वो इसी प्रदेश में जन्मे और इसी प्रदेश के होके रह गए। तो अब कहानी यहाँ तक आ जाती है कि सर अभी मैं ये हमारे प्रदेश में हाथी है। जी मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, आपको मैं ले जा रहा हूँ, एक संक्षिप्त विवरण आपके दर्शकों के लिए बताना जरूरी था। तो अब ये स्थिति है कि 250 से 250 तक के हाथी हमारे प्रदेश में मौजूद हैं, विचरण करते हैं, रहते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाथी को एक समस्या के रूप में देखा जाए या प्रबंधन की एक चुनौती के रूप में देखा जाए, तो विभाग का ये आउटलुक अब आया है कि इसको एक प्रबंधन की चुनौती के रूप में देखा जाए और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो लोग हो रहे हैं, जो कि वनवासी हैं या वन क्षेत्रों के निकट रहते हैं, वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वे मुख्यतः कृषि पर आधारित हैं, ये जो गरीब लोग हैं ये सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। और आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में करीब 75 करोड़ रुपए का मुआवजा हाथी के द्वारा की गई जनहानि और प्रॉपर्टी के हानि में देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है सर, यही तो सबसे बड़ा सवाल है अतुल सर, क्योंकि समय की जो है अपनी सीमा है, हमें अपने डिबेट को समाप्त भी करना है नहीं तो लंबी इस पर बातचीत करते। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप 75 करोड़ रुपए का मुआवजा आपने बांट दिया लेकिन उसका नतीजा कोई निकला नहीं, समस्या आज भी वही है, संघर्ष वही है, हालात अब भी वैसे ही बने हुए हैं, हम समाधान की ओर क्या बढ़ पाए हैं क्या, और इसका समाधान क्या हो सकता है क्या,
औद्योगिक जो करण हो रहा है उस इलाके में, बेहताशा जो माइनिंग हो रही, यही एक बड़ा कारण आपको नजर आ रहा है क्या? विभाग को क्या इस पर जो है लगाम लगाया जा सकता है? आपने बहुत सही प्रश्न किया कि सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, उस पर हमारा ज्यादा समय और फोकस रहना चाहिए। समाधान मूल रूप से दो हैं। एक तो हैबिटेट डेवलपमेंट है, यानी जहां वो रहते हैं, जिन वन क्षेत्रों में वो रहते हैं, विचरण करते हैं, वहां पर भोजन और पानी की व्यापक व्यवस्था अगर हो तो ये माना जाएगा कि वे बाहर नहीं निकलेंगे। और फिर भी ये सब होने के बावजूद भी अगर वो बाहर निकलते हैं तो इस बंधन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जागरूकता, जो लोग इर्द गिर्द रहते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं, उनमें जागरूकता पैदा की जाए। तो ये टू प्रॉन्ग्ड सॉल्यूशन है, एक है हैबिटेट डेवलपमेंट और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस। अब डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मीडिया सबसे प्रमुख है। मीडिया की पहुंच जन जन तक है और वो वन विभाग और ग्रामीणों के बीच में एक सेतु का काम करते आ रहा है। आज भी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं चूंकि समय जो है समाप्त होने, तो तीनों ही जो है मेहमानों के साथ आखिरी कमेंट मैं ले रहा हूं और उसके बाद इस डिबेट को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, फिर कभी इस विषय पे चर्चा करेंगे। नितिन सर, आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल एक लाइन में आप बताइए कि समाधान क्या हो सकता है, कैसे जो है हम इस संघर्ष को रोक पाएंगे? हम जानना चाह रहे थे कि नितिन सर से, अतुल सर से और संदीप सर से कि उनकी अपनी क्या राय है, क्या इस समस्या को हम जो है रोक पाएंगे समय रहते, क्या हम हमारे पास कोई समाधान है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, अन्यथा उनका एक लास्ट कमेंट जरूर जानते। लेकिन फिलहाल चुनौती तो है सरकार के सामने, नई सरकार के सामने, भूपेश सरकार के सामने, कि कैसे वो इस समस्या को जो है खत्म कर सके, कैसे हाथी और मानव के बीच में संघर्ष को रोका जा सके। और सबसे अहम जो हाथी कॉरिडोर का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में रेलवे कॉरिडोर का जो हिस्सा आ रहा है, क्या उसे रोका जा सकता है, उसे बदला जा सकता है, और क्या लेमरू प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत जल्द से जल्द हो पाएगी? आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।